हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आर्यन अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। फ्रेंड्स, हमने एक पिछले लेक्चर से एक सीरीज स्टार्ट की थी एचटीएमएल की, वो उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था और ये एक लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम ये सारे टैग्स के बारे में जानेंगे, एंकर टैग, फॉन्ट टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, सब्सक्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कौन कौन से टैग किए थे, रिपीट कर देता हूँ मैं। पी टैग के बारे में, इमेज टैग के बारे में और हेडिंग टैग के बारे में, ये वाले टैग हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाले टैग। आज हम डिस्कस करेंगे ये 6 टैग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी हमारे वेब पेज को अच्छा बनाने के लिए। ये वाले टैग यूज होते हैं, एंकर टैग हम लिंक ऐड करने के लिए देते हैं, फॉन्ट टैग हम साइज और कलर चेंज करने के लिए, बोल्ड टैग हम सेंटेंस और हेडिंग को बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन टैग किसी भी सेंटेंस या हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए, सब्सक्रिप्ट टैग जो CO2 है, अब CO2 नीचे लिखा है, फुट पे लिखा है, ओके, तो वो लिखने के लिए हम सब्सक्रिप्ट ऐड करते हैं। अब यहाँ पे A+B होल स्क्वायर है, 2 ऊपर है, 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो उसे लिखने के लिए हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अभी हम इसका पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अभी ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको लर्न रहे, जो पिछले लेक्चर में सिंटैक्स और टैग के बारे में बताया था वो भी लर्न कर लीजिए। यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं लास्ट लेक्चर के, पी टैग, इमेज टैग और एक टैग पड़ा था हेडिंग टैग। हेडिंग के 6 तरह के टैग पड़े थे, है ना, H1, H2, H6। ये मिटा दूं मैं, चलो पॉज करके इसे नोट कर लो, मैं उठा होता हूं, कर लिया नोट, चलो ऐसे कर। ये मिटा दिया, यहां पे लिख देते हैं कोई बता सकता है कि हम एंकर टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई वी यूज एंकर टैग? सोच के देखो एक बार, सारे सोचो कि कैसे लिख सकते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा होगा, फिर हम बताएंगे आपको कि इसे लिखते कैसे हैं, इनके सिंटेक्स क्या होते हैं और कैसे करेंगे लिंक कैसे। एंकर टैग समझ आ गया, लिंक देने के लिए करते हैं। पहले हम एंकर टैग सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, उसके बाद लिखेंगे हेड, उसके बाद लिखेंगे टाइटल, टाइटल में अंदर क्या लिखेंगे, कोई सा भी, माय फर्स्ट वेब पेज स्लैश टाइटल, फिर उसके टाइटल को क्लोज, फिर हेड क्लोज, स्पेस बचा देते हैं, ये हेड क्लोज हो गया। अब यहां से बॉडी शुरू करेंगे। अब सबसे पहले बॉडी में क्या लिखेंगे, एंकर टैग। एंकर टैग के लिए हम ऐसे एंगल ब्रैकेट लगाएंगे ए। अब ध्यान रखना है, हमें यहां पे लिखना होता है एंकर टैग में हेड, HREM, हेड, ये एंकर टैग में जरूर लिखना है, एंगल ब्रैकेट HREM। ठीक है, एंकर टैग ए हेल्प इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे जो हमारी पाथ, फाइल का पाथ, मतलब कि जैसे कि HTTPS लिंक दे देंगे ना, जैसे हम लिंक कॉपी करते हैं, HTTPS कोई सब दे सकते, www.youtube.com
ये यहाँ पे एंकर टैग ऐसे क्लोज करेंगे, ये लिख दिया यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास। और गाइस अब ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे नाम देना है, और इसको हम एंकर टैग कैसे लिखा जाएगा, क्लिक हेयर के नाम से, कि जैसे ही जो यूजर है वो क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो ये HTTP इस लिंक पे डायरेक्ट कर देगा यूजर को। समझेगा इस बात, जब कंप्यूटर में परफॉर्म करेंगे इसे और अच्छे से समझ आएगा और एंकर टैग को कर देंगे क्लोज। ठीक है, बस इतना सा था। एंकर टैग में आपको एक हेल्प याद रखना है कि हेल्प लिखना है ए हेल्प, फिर HTTPS इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और लिंक, फिर क्लिक हेयर, इसे ऐसे क्लोज करके क्लिक हेयर, फिर ब्रैकेट ए को क्लोज करना है एंकर टैग को। ठीक है, मिटा दू, चलो मिटाते नहीं, अगले लिख देते हैं। अब पहले हम बोल्ड करेंगे, ये लास्ट में करेंगे बोल्ड टैग। बोल्ड लिखने के लिए हम लिखेंगे बी, जैसे आपने देख लिया होगा बी लिखेंगे, कुछ भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेब पेज, जो वेब पेज होगा वो बोल्ड होके आ जाएगा और उसे ऐसे स्लैश बी, इसका सेंटेंस है बोल्ड को लिखने के लिए, बॉडी के अंदर ही लिखेंगे और बस यही काम है। और हम अंडरलाइन टैग देख लेते थे, यू ऐसे इसी को ही अंडरलाइन कर देंगे वेब पेज स्लैश यू। अब हम चाहते हैं कि ये हमें दो दो बार ही ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करना है हमें, तो सीधा ऐसे लिखेंगे बी, फिर हम लिख देंगे यू वेब पेज स्लैश यू स्लैश बी। समझाइएगा इस बात, हमने क्या किया, हमने हम चाहते थे कि वेब पेज को हम बोल्ड भी कर दें अंडरलाइन भी कर दें, अब वो करने के लिए हमें दो दो बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने पहले बोल्ड कर दिया उसे वेब पेज को और लास्ट में बोल्ड बंद कर दिया, और उसी के अंदर हमने अंडरलाइन टैग चलाया और उसे अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो सबसे पहले खुलेगा वो लास्ट में बंद होगा और जो बाद में खुलेगा वो सबसे पहले बंद होगा। ठीक है गाइस, बात समझ आई, इसे नोट करो, कॉपी करो और यहाँ पे वो भी आएगा लास्ट में स्लैश बॉडी कैप्स लॉक में स्लैश HTML। एक बार फिर से बताइए मेरे को HTML की फुल फॉर्म क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसने बनाई थी, टीम बर्नर ली साहब ने बनाई थी 1990 में। अब चलिए आगे बढ़े, मिटो दूं, अब हम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये दोनों टैग हम एक साथ पढ़ेंगे, इसे मिटो देता हूं, नोट कर लो इतना, ताकि हमें कंप्यूटर पे जब जाएंगे तो इजी रहे हमारे लिए उसे लिखना। लास्ट तक देखना वीडियो, बीच में थ्योरी देख के ना समझ नहीं आएगा फिर कंप्यूटर के, फिर जैसे कि अब हमने कोई भी केमिकल फॉर्मूला CO2 हमें हमने ये लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे पी टैग ओपन करेंगे, पी टैग ओपन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, हम पी टैग ओपन करेंगे नहीं करते, चलो इजी बनाते हैं कॉम्प्लिकेट में, सी हम लिखेंगे CO कैप्स लॉक में, फिर हम लगा देंगे सबस्क्रिप्ट किसके लिए होगी जो नीचे फुट पे है, और सुपरस्क्रिप्ट किसके लिए होगी जो पावर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के लिए SUB। ठीक है, ओपन करा, यहाँ 2 लिखना है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता 4 लिख देते, 5 होता 5 लिख देते। ठीक है, और फिर इसे सबस्क्रिप्ट को कर देंगे ऐसे क्लोज, ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि H2O भी लिखा जाए, पर H2O लिखा जाए नेक्स्ट लाइन में, तो हम यहाँ पे लगा देंगे BR टैग ब्रेक टैग, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करके दिखाओ, H2O पॉज करके कैसे लिखेंगे H2O का,
जल्दी जल्दी करो पोस्ट करके, चलो जल्दी जल्दी एसटीओ सोचो कैसे करना है, इसमें कौन सा टैग लगेगा, हिंट दे देते, सब्सक्राइब टैग लगेगा, कैसे लगेगा, जल्दी जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, चलो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्ट ओपन करेंगे, फिर 2, फिर स्लैश सब, और यहाँ पे ओ लिखते हैं, खत्म, और ब्रेक, खत्म। इतना सा था, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो और फिर से रिमाइंड करके फिर से देखे, समझे अच्छे से। अब हम चाहते हैं कि हम सभी को पता है ना, ए प्लस बी हो चुके हैं की आइडेंटिटी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अब इसे प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट नहीं मतलब इसे लिखवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें चाहिए सुपर स्क्रिप्ट है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी, अब हमें होल स्क्वायर चाहिए ना, ऊपर स्क्वायर 2 चाहिए, तो हम सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ब्रैकेट सुपर एस यू पी, 2 चाहिए हमें, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता 4 लिख देते, 2 स्लैश एस यू पी, फिर इसके आगे इज इक्वल टू ए कैप्स लॉक ए, फिर एंगल ब्रैकेट सुपर सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सॉरी सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे एस यू पी 3 स्लैश एस यू पी, ये लिख दिया, और ए क्लोज हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे 2 है सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी सुपर स्क्रिप्ट प्लस 2ab एंड डैट सोल, यहाँ आगे आ जाएगा बी एड ब्रेक करने के लिए, समझे कुछ, समझ आया तो बताओ, अगर नहीं आया तो दोबारा देखो इसे, आ गया होगा वैसे अभी तक समझ। क्या करना है, अगर हमें पावर में लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, अगर हमें लोअर केस में फुट पे लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, जैसे सीओ टू और एस टू का केस था। अभी इसे मिटो दू, नोट कर लिया, एक इसके लिख के दिखाओ, ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे, इसे लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे, ट्राई करो खुद, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फिर बताते हैं, 1 2 3 4 5, चलो बताते हैं। कुछ नहीं करना, ये ए प्लस बी था इसे माइनस कर दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू सुप स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे माइनस, हो गया खत्म, खत्म सवाल। इसे अभी कंप्यूटर में चला के देखेंगे, चल जाएगा, एंड तक जरूर देखना, अगर नहीं दे अभी तुम्हें जल्दी है तो आगे रिमाइंड करके आगे देख लो, आगे चले। चलो तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ मैं, वो करना आप सब यहाँ पे, इनका लिख के कमेंट में आंसर बताना इसका क्या है, H2SO4 ये लिखना है, और A प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होती है ना, ये दो लिख के दिखाना है मेरे को, ठीक है, कमेंट में आंसर बताना है इनका। अभी हम आगे चलते हैं, अब गाइस हम शुरू करते हैं फॉन्ट टैग, एफ टैग, एफ मींस सॉरी फॉन्ट, मिटो दे मिटो दे, अब इसे ऐसे लिखेंगे फॉन्ट, हमें चेंज क्या क्या करना है, हमें फॉन्ट फेस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट फेस कलर और साइज, ठीक है, हम लिखेंगे फॉन्ट, अगर फेस चेंज करना है तो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इटालियन ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, पी टेलीग्राफ में हेलो
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये इटालियन में लिखा गया है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो हमारे पे येलो है, येलो लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, फॉन्ट फेस लिखे है, यहाँ पे हम कलर लिख लेंगे, सी ओ एल ओ आर। कलर की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, कलर की स्पेलिंग हमेशा HTML में सी ओ एल ओ आर लिखी जाती है, सी ओ एल ओ आर, यू आर नहीं लगती, वो गलत है इसमें, HTML में वैलिड नहीं है। अब कुछ और क्यों, वो प्री डिफाइंड है। कलर इज इक्वल टू जो भी कलर देना है, सपोज हमने रेड देना है रेड, ये ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हमें साइज चेंज करना है, साइज के लिए भी कुछ नहीं करना, बस हाँ लिख देते हैं। अब हमें साइज चेंज करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइज ऐसे ही, स्टेडी साइज इज इक्वल टू 20, ये क्लोज, यहाँ पे बी टैग, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, एंगल पी। ठीक है, ये होगा फॉन्ट फेस, और इसे लास्ट में कर देंगे ऐसे क्लोज, ये हो गया डन। ये हमने फॉन्ट टैग भी कर लिया, फेस कलर और साइज, और उसे एक तरह क्लोज कर दें। अब हम इसी में ही पी टैग, हमने अंडरलाइन टैग सीखा था बोल्ड टैग, वो भी लगा सकते हैं इसी में, कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना उसके लिए, यहाँ पे लिख दो बोल्ड, अगर आपको इसके लिए इसको अंडरलाइन भी करना है तो यू, यहाँ पे स्लैश यू स्लैश बी, और इसे पैराग्राफ में डाल देंगे स्लैश बी, और साथ में फोन टैग को बंद कर दें, बस डन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपको समझ आएगा। और कलर की स्पेलिंग याद रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सी ओ एल ओ आर, यू आर नहीं लिखना, सी ओ एल ओ आर, कलर। अब ये प्री डिफाइंड ऐसी है। ठीक है, आज हमने एंकर टैग के बारे में सीखा, एक बार फिर से एंकर टैग कर लेते हैं, ए है इज इक्वल टू जो भी लिंक है, यहाँ पे नेम क्लिक हेयर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक हेयर की जगह स्लैश। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एंकर टैग, फोन टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये मैंने वही वाला नोट पैड यूज किया है, फर्स्ट वेब पेज वाला। तो अब हम सबसे पहले एक कलर का बताते हैं, H3 हेडिंग में ही लिख देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, कलर की स्पेलिंग आपको याद है, मैंने बोर्ड पे भी बताई थी, सी ओ एल ओ आर आएगी हमेशा कलर, और इसे रेड कर देते हैं। अब इसे कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव करेंगे, ये रिफ्रेश किया गाइस, ये देखिए वेब पेज इज इन द रेड कलर। अब गाइस हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम एंकर टैग देखेंगे कि एंकर टैग के लिए कैसे लिखते हैं। यहीं पे हम एंकर टैग एंगल ब्रैकेट ए एफ एच आर ई एफ इज इक्वल टू जो भी लिंक देना है, जैसे कि www. कोई सा भी लिंक दे सकते हैं आप यहाँ से, मैं यूट्यूब का दे रहा हूँ, youtube.com, ये क्लोज करा। एज अब हम इसका नाम लिखेंगे कि यहाँ पे किस क्लिक हेयर के नाम से आना चाहिए, क्लिक हेयर फॉर यूट्यूब, स्लैश ए एच, तो इसे कंट्रोल प्लस एच करेंगे, एंटर टैग को अब वापस इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, या गया क्लिक हेयर फॉर यूट्यूब, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हमें यूट्यूब पेज पे डायरेक्ट कर देगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फोन टैग देखते हैं, फोन टैग कि
चेंज कर सकते हैं अपना है ना, और बाकी चीजें कर सकते हैं उसकी। यहाँ पे पी टैग के नीचे लिख देंगे, पहले बोल्ड का देख लेते हैं कि बोल्ड कैसे करते हैं, वो थोड़ा इजी है। बी लिखेंगे उसके लिए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ऐसा करते कि ये जो हमारा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय फर्स्ट ये लिखा है, इसी को बोल्ड कर देते हैं, पहले सिंगल कर लेते हम लिखेंगे बी हेलो वर्ल्ड स्लैश बी कंट्रोल प्लस एस। ये देखिए ये बोल्ड में आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अब ऐसा करते कि हमने ये जो बी पैराग्राफ लिखा था इसे बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से बी लगा देंगे और ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। हम इसके अंदर एक टैग भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, आपको कि कैसे एक टैग एक टैग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए गाइस ये बोल्ड हो गया। अब गाइस अब हम देखते हैं अंडरलाइन टैग, क्योंकि ये सारे टैग इजी है इसलिए मैं पहले ये उठा रहा हूँ, उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। यू लिखा, इसे अंडरलाइन करना है हमें, किसी भी चीज को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अंडरलाइन करेंगे हेलो वर्ल्ड को, कुछ और लिख देते हैं हेलो यूट्यूबर्स, हेलो यूट्यूब फैमिली स्लैश यू कंट्रोल ओ। हमने यहाँ पे ध्यान यू कैप्चर लिखा है तो हम कैप्चर की लिखेंगे यहाँ पे भी। लेट्स ट्राई, देखिए गाइस हेलो यूट्यूब फैमिली इज हैज बीन अंडरलाइंड। हमें यहाँ पे बी आर टैग भी लगाना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाए, वरना ये एक ही लाइन में ट्रांसफर होगी। अब चेक करते हैं, ये देखिए गाइस ये अलग उसमें आ गया लाइन में हेलो यूट्यूब फैमिली, और फोटो के आगे भी बी आर टैग लगाते हैं ताकि फोटो भी नेक्स्ट लाइन में चल जाए। ये यहाँ पे बी आर, लेट्स सी ये हो गया बस, ठीक है। अब हम अगले टैग के ऊपर चलते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। अभी मैंने आपको CO2 और H2O और A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB का एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को हम फॉलो अप करेंगे। शुरू करें गाइस, सबसे बॉडी में ही लिखेंगे, थोड़ा गैप देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले वाले, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट। हम इसके लिए हेडिंग टैग भी यूज कर सकते हैं, H टैग यूज करेंगे H1। हम यहाँ पे लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूला, थोड़ा पेज को अट्रैक्टिव बना देते हैं। स्लैश H1, ठीक है। अब हम सुपरस्क्रिप्ट ऐड सुपर और सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। हम इससे पहले लिखना है CO2, CO2 लिखने के लिए सबसे पहले हम CO लिखेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट सब, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम स्लैश एंगल ब्रैकेट स्लैश सब, फिर हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट BR ब्रेक करने के लिए ताकि हम नेक्स्ट लाइन में H2O लिख सके, फिर हम लिखेंगे कैप्स लॉक H, फिर हम लिख देंगे एंगल ब्रैकेट सब, सब मतलब सबस्क्रिप्ट H2O, 2 नीचे आते हैं ना H के, तो वो लिख देंगे 2, फिर यहाँ पे स्लैश सब, फिर वो कैप्स लॉक O, फिर BR। यहाँ पे हम इसे भी कैप्स लॉक में करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। अब लेट्स चेक इट,
ये देखिए गाइस, CO2 लिखा आ गया और H2O लिखा आ गया। अगर हम सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते तो वो नहीं चलता, वो H2O नहीं काम कर पाता। एक बारी हम आपको वो भी कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं इसे कि नहीं चल पाएगा। अब ये हटा देते हैं सबस्क्रिप्ट, फिर चेक करते चलता है नहीं, नीचे तो नहीं आएगा। ये देखिए गाइस, मैंने इसे कंट्रोल प्लस एच कर दिया है। अब दिस इज द कंपैरिजन, पहले CO2 नीचे आ रहा था, अगर हमने नहीं किया था तो ये ऊपर आ रहा है। ठीक है गाइस, अब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला चेक करेंगे। उसके लिए हम इसे इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये रॉन्ग है। अब हम यहाँ पे H1 फिर से हेडिंग देते हैं, हम इसे इसी इसी को हम बोल्ड कर देंगे, बी टैग लगा देंगे, और साथ H1 की जरूरत नहीं है हमें, हम बोल्ड टैग लगा देंगे और साथ में यू टैग लगा देंगे अंडरलाइन करने के लिए। हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्लेइंग मैथमेटिकल मैथ फोर लास्ट। अब हम स्लैश यू स्लैश बी कंट्रोल प्लस एस, ये देखिए गाइस, अभी ये डिस्प्लेइंग द नंबर बोल्ड में आ चुका है और ये साथ में अंडरलाइन भी। हम इसमें हेडिंग टैग भी लगाते ताकि ये बड़ा हो जाए साइज इसका। स्लैश H1, यू हैव टू रिमेम्बर दिस होल। जैसे जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न हो जाएगा, करना सीख जाएंगे आप। ये देखिए गाइस, ये बड़ा हो गया ना। चलो ऐसे हम इसके साथ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे बी, यहाँ पे यू टैग अंडरलाइन के लिए, और यहाँ पे स्लैश बी कंट्रोल प्लस एस। अब चेक करते हैं हम, ये देखिए गाइस, दिस इज ऑल्सो अंडरलाइन। अब हम ए प्लस बी करते हैं होल स्क्वायर के लिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैप्स लॉक ए प्लस बी। सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करते हैं, SUP। फिर हम लिखेंगे टू, फिर स्लैश SUP इज इक्वल टू ए, कैप्स लॉक ए इज इक्वल टू कैप्स लॉक ए, फिर SU सुपरस्क्रिप्ट, फिर टू, फिर स्लैश सुपरस्क्रिप्ट, फिर प्लस बी एंगल ब्रैकेट सुपरस्क्रिप्ट, इसमें लिख देंगे टू, फिर स्लैश सुपरस्क्रिप्ट प्लस टू ए बी, क्या आइडेंटिटी होती है इस, फिर लास्ट में बी अटैक लगा दें। अब इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, बस सिर्फ साइन चेंज करने हैं ना ए माइनस बी के लिए। ओहो गलती होगी, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं फिर से लिखते हैं। गाइस ये मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इसे कंट्रोल प्लस एस करके सेव करके रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये आ गया, ओ उधर हमने साइन चेंज नहीं किया, तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस कंट्रोल प्लस एस रिफ्रेश।
देखिए गाइस, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो गया गाइस। हमने ये भी देख लिया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब हम आते हैं फॉन्ट पे। अब फॉन्ट कैसे देते हैं, वापस से चलते हैं नोटपैड पे। गाइज अब हम फॉन्ट कलर पे आते हैं। यहीं पे फॉन्ट कलर तो हमने बता दिया कि आपको हेडिंग में जैसे स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट वैसे हम लिख सकते हैं, बोर्ड पे भी बताया तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आते हैं फॉन्ट फेस पे, उसके लिए लिखेंगे एफ ओ एन टी एंगल ब्रैकेट फॉन्ट एफ ए सी ई फॉन्ट फेस इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास बिगिन एल यू सी, कुछ भी कोई सा भी फॉन्ट लिख सकते हैं फॉन्ट फेस। मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ये लिख लिया, स्पेलिंग ठीक रहनी चाहिए और ये ऐसे, ठीक है गाइस। ये फॉन्ट दे दिए मैंने और फिर इसे यहाँ पे पी टैग लगा के पैराग्राफ लिख देते हैं हम, हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्य। अब गाइस यहाँ पे हम अपने पी टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ से स्लैश फॉन्ट फॉन्ट को क्लोज। अब कंट्रोल प्लस एस, ये देखिए गाइस या चेंज हो गया टेक्स्ट, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्य, ठीक है। ऐसे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं फॉन्ट फेस। अब हम कलर, मैं आपको साइज बता दूं, पहले साइज कर लेते हैं कि साइज कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए हैंडराइटिंग हमें यही चाहिए, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट साइज। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। 5 कर देते हैं साइज, 5 नहीं 20 कर देते हैं और यहाँ पे फिर फॉन्ट साइज को बंद कर देंगे स्लैश कंट्रोल प्लस एस। अब देखते हैं, लेट्स सी, रिफ्रेश इट, ये देखिए गाइस बड़ा हो गया साइज। हम ऐसे साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब गाइस बात आती है कलर की, अब हम चेंज करेंगे कलर। कलर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, हम एक ही में लिख सकते हैं, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऐसा कर, यहीं पे इसी वाले में चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे कलर सी ओ एल ओ आर, कलर इज इक्वल टू कोई सा भी कलर लिख सकते हैं हम, राइट कंट्रोल प्लस एस, लेट सी। ये देखिए गाइस ये रेड कलर का हो गया। और हम फॉन्ट साइज 20 को यहीं पे लिख सकते हैं एक ही सिंटेक्स में, साइज इज इक्वल टू 20 कंट्रोल प्लस एस, ये इरेज कर देते हैं। और एक ही होता दो हो गया ना, ये हो गया गाइस कंट्रोल प्लस एस। और चला के देखते हैं, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक चल गया, ठीक है गाइस। हम ऐसे साइज कलर फॉन्ट ये हो गया देख। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगले लेक्चर में हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे और भी टैग सिखाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।